मोदी 3.0 ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋ ಎನ್ಡಿಎ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 10 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಬರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ मोदी मुंदे देश मत्तष्टु अभिवृद्धि आगलिदे अन्नुवंत मातन्न कूड़ा तम्म भाषणदल्लि आडिद्दारे कर्नाटक तमिळ्नाडु केरळ आंध्रदल्लि एनडीए मैत्रिकूटक्के अभूतपूर्ववादंतह जय सिक्किदे इंडियागे बेकागिरुवुदु एनडीए अंत मोदी अवरु हेळिद्दारे साथियों अब दुनिया एक नए युग में प्रवेश रही है जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई उस समय हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं तो औद्योगिक क्रांति का जितना फायदा लेना चाहिए हम नहीं ले पाए अब एक नया युग शुरू हो रहा है हरित युग ग्रीन एरा भारत के पास बहुत संभावनाएं हैं इसका नेतृत्व करने की और हम इसके लिए आने वाले दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो ग्रीन एनर्जी हो या ग्रीन जॉब्स हो या ग्रीन मोबिलिटी हो इन सारे विषयों को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस हरित युग का नेतृत्व दुनिया में भारत का सामर्थ्य सिद्ध कर दें ये हम चाहते हैं साथियों इसी सिलसिले में इस 5 जून को जब पर्यावरण दिवस था 4 जून को नतीजे आ गए थे तो उसी दिन मेरे मन में एक विचार आया कि कार्यक्रम 5 जून को हमने आरंभ किया एक पेड़ मां के नाम हर किसी को मां के प्रति श्रद्धा होती है और मैं भी देशवासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माताजी का जन्मदिन हो क्या कोई और शुभ दिन हो अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाइए और मां जीवित है तो साथ लेकर जाइए उनकी फोटो आप सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए और मां नहीं है तो उनकी फोटो रख करके एक पैड लगाइए और वो अपनी मां का भी सम्मान होगा और धरती मां की सेवा होगी हम इन दो माताओं की सेवा करें साथियों एनडीए अब भारत आइसोलेशन में नहीं जी सकता वैश्विक परिवेश में भारत की भूमिका दिनों दिन बहुत बढ़ती चली जा रही है 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी पूरे विश्व में उसी एक पल से ही एक नया जिज्ञासा पैदा हुई थोड़ी आशा के संकेत उनको नजर आने लगे और फिर उस बदलाव बहुत बड़ा तेजी से आया और पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है आज भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है दोस्तों विश्व हमें एक बंधु के रूप में स्वीकार कर रहा है और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रूप में स्वीकारती है तो हमारी वैश्विक जिम्मेवारियों को भी हमने हमारे आने वाले रोडमैप में महत्व देना ही होगा और भारत की सफल विदेश नीति ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवीय मूल्यों को हमने प्राथमिकता दी उसका परिणाम है कि सामान्य मानवीय के मन में ये विश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबूत हुआ और भारत का सेवा भाव का जो कैरेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है चाहे यूक्रेन का संकट हो चाहे अफगानिस्तान का संकट हो हर हमारे लोगों को बचाना हो हमने किसी भी में हमने कोई कमी नहीं रखी है और साथियों ये क्षमता के कारण भारत में निवेश की संभावनाएं बहुत बढ़ने वाली है मैं राज्यों से भी कहूंगा कि आप प्रगतिशील नीतियां बनाकर रेडी रहिए विश्व आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और जो राज्य ज्यादा स्पष्ट नीतियों के साथ आएगा जो राज्य उन
कंपनियां विदेश आने वाले लोगों को ठीक से हैंडल करेगा उसको बेनिफिट मिलने ही वाला है। और भारत ने जो नीतियां बनाई है, भारत ने जो वातावरण बनाया है, उसका लाभ भारत के हर राज्य को मिलना चाहिए और उस दिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं। साथियों, हमने G20 समिट में देखा है, दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। जो लोग इन चीजों को माइन्यूटली देखते होंगे उनको पता होगा कि G20 एक प्रकार से कई संकटों से गुजर रहा था, उतार चढ़ाव आते रहते थे, बिखराव भी नजर आ रहा था, लेकिन भारत में G20 आने के बाद नए प्राण से भर गया है, नया सामर्थ्य आ गया है। और ये भारत की ताकत है कि उसने पूरे विश्व को जोड़ने में G20 के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है। और उसके इन दिनों भी जो परिणाम आए इसके बाद, मेरा काफी समय विदेश के सरकारों से फोन अभिनंदन स्वीकार करने में गया, और शायद मैं जैसे 14 में 19 में भी ऐसा अनुभव नहीं था जितना इस बार फ्लो है। दुनिया के करीब करीब अब नाम ले उसने भारत को शुभेच्छा व्यक्त की है या बात करने की कोशिश की है, यानी ये वैश्विक जो हमारा ताकत है उसका परिचय करवा रहा है। और उसके कारण मैं मानता हूं कि विश्व में हमारा सम्मान और साथ साथ भारत में निवेश, ये दोनों संभावनाएं बढ़ रही है। साथियों, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है, हम चाहते हैं कि संविधान हमारी संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण भर इसके मात्र के लिए है, ऐसा नहीं कोई अदालत में धाराओं का उपयोग करके काम करने के लिए नहीं है, ये एक हमारी भावना है, हमारा स्पिरिट है। और हमें इस 75 साल को ऐसे मनाना है ताकि हम संविधान के स्पिरिट को जन जन तक पहुंचाएं, हर जन को संविधान की जो भावना है, कर्तव्य की भावना है, अनेक बात ऐसे इस बात है, उन सब प्रति समर्पण उसका बढ़े, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष के उत्सव में देश आज रंगा हुआ है, और हम हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है क्योंकि उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना है। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते ही राष्ट्र प्रथम की भावना हमें मजबूती देती है, और इसलिए हम देश में इसी एजेंडा को आगे रखते हुए, और जब इसी समय 350 साल का पर्व आया है तो हमें अपनी पॉलिसी और परफॉर्मेंस और सामान्य मानवीय का जीवन बेहतर करना है, उसमें जरा भी विलंब नहीं करना है। साथियों, विकास की सारी तैयारियां रोडमैप लेकर को हम चलेंगे ही चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम नए नए सांसद आए हैं, कुछ पुराने सांसद हैं, कुछ ज्यादा अनुभवी सांसद भी हैं। आप देखते हैं कि इन दिनों, पिछले 2 दिन से आप टीवी पर देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गबगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है मंत्री में, आपका नंबर कर सकता हूं, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद आप तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए,
कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी क्या भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बद इरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। साथियों, विकसित भारत का संकल्प लेकर के हम चले हैं। 3 नंबर की इकोनॉमी पहुंचना मैं जानता हूं, निश्चित रोड मैप के साथ उसको हम पार करने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है, मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में, मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता, उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए। मैं देश को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, और साथियों मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावना लेकर के आया है। लोकसभा का ये गठन उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
ಸೋ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸವನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಭೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು. ಸೋ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನಿದೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನಾಡಿದ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟು ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ತಂದಿಡುವಂಥದ್ದೇ ನನಗೆ ಗುರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಷ್ಟು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಷ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಮಾಷೆಯಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು, ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅವರದ್ದು. ಸೊ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಳಗಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾರ ಆಮಿಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ, ಹಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿ, ಅದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೀಟು ಅಂತ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸವನ್ನು ತುಂಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಾನು ಕುಗ್ಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಕು, ನಾನು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಚಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರೇಲರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಈಗೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ.